90% कंप्लीट हो गया है, बस वो आए लगेगी यहाँ पे, इस पे किसी ना किसी एक बाइक की गाड़ी चढ़ाएंगे ऊपर। और भाई साहब फाइनली अपना जो बेस कोट है वो मारने लगे हैं। भाई साहब हो गया था कांड आज, टायर ही निकल गया यार यहाँ से। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल, आप आ चुके हैं एक और ब्लॉग में। आज फिलहाल हमने शायद मोस्ट प्रॉब्ली अपने ट्रेलर की डिलीवरी लेने जाना है, और पहले हमारे साथ एनू जी भी जुड़ चुके हैं। एनू जी हेलो करो। ये हमारे कज़न भाई हैं और इनका भी यूट्यूब चैनल है, क्या है, मॉडर्न गेमिंग एंटरटेनमेंट। तो इनको भी जाके सब्सक्राइब करो, प्यार दिखाओ हमारे छोटे से क्यूट से भाई को। और अभी सीधा चलते हैं लोकेशन पर, वहाँ से दिखाते हैं आपको सीन। और भाई साहब यार कश्मीर के बाद ना इसको स्टार्ट ही नहीं किया, ना इसका मन किया मेरे को स्टार्ट करने का, क्योंकि मैंने इतनी चला ली थी ना। तो अभी तो फिलहाल चलते हैं। ओह थैंकफुली टिंट हो चुका है टिंट। तो एनीवे गाइस चलते हैं सीधा लोकेशन पर, फिर वहाँ से सीन दिखाते हैं आपको। तो भाई साहब फाइनली अपना ये आ गया ट्रेलर, आज अब ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गया है, बस वो आए लगेगी यहाँ पे। और ये गाड़ी आज इस पर चढ़ा के आपको मोस्ट प्रॉब्ली एक टेस्ट रन दिखाई देंगे। अभी इसकी ना हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी हाइट थोड़ी करनी है कम। ये वाले जो ब्लॉक्स हैं ये निकल जाएंगे बाहर, और चलो होपफुली यार अब मुझे लग रहा है कि आज अपना लोडिंग हो जाएगी इस पर एक गाड़ी की। तो चलो देखते हैं फिर क्या सीन बनता है और फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई साहब अभी फ़िलहाल अपना जो ट्रेलर है वो हो रहा है रेडी, 5 बजे तक उन्होंने बोला है। अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 2 बजे। तो अभी बस चलते हैं अपनी स्कॉर्पियो के पास, वहाँ पर काम कराते हैं, फिर वापसी पर अपना ट्रेलर भी लेते हुए जाएंगे आज। इस पे किसी ना किसी एक बाइक की गाड़ी चढ़ाएंगे ऊपर और फिर उनको घुमाएंगे, क्या बोलते बोलते भाई? बहुत जबरदस्त प्लान है भाई। तो भाई साहब गर्मी ऊपर से इतनी हो रही है, मीटर हमारा चल नहीं रहा है, अभी रिसेंटली ABS लाइट आ चुकी है वापस। तो चलो देखते हैं क्या सीन बनता है। न्यू डे न्यू प्रॉब्लम्स। बट अभी फिलहाल ना हम लोग ओरिजिनली अभी इसको 700 से टो करेंगे, बट लेटेस्ट स्टेज पे जो प्लान है वो तो मैं आपको अपडेट करूंगा, बट 700 टोइंग नहीं रहेगी आज, मतलब अभी जब तक के लिए हमारी वो गाड़ी रेडी नहीं हो जाती तब तक के लिए हम इसी को टो करेंगे, 700 से ही टो करेंगे। और भाई साहब अभी आ चुके हैं हम अपनी प्रोजेक्ट कार। कितनी ऐसे पतली सी लग रही है ना, बहुत पतली लग रही है, लग रहा है बलेरो की बॉडी है। हाँ सब कुछ ही निकाल दिया। चलो देखते हैं क्या सीन बनता है। वो देखो मिक्सिंग चल रही है, पता है किस चीज़ के लिए? शायद हमारे ही पेंट। नहीं, धोखा हो गया हमारे साथ, अभी इनको पकड़ते हैं अंदर जाके। सुनील भी आए थे, चले भी गए, क्या कह रहे थे? कुछ जोक सुना रहे थे हमसे रिलेटेड। मेकअप उतार के आ गया तू? चल मेकअप लगा वापस, मुझे वैसे पसंद है मेकअप लगा। तो भाई साहब चलो बोल लो उनको, करो रिक्वेस्ट। सुनील भी है, चले गए बाहर। हाँ जी क्या हाल है, ठीक हो? लॉन्ग टाइम नो सी। बस आप लोग नहीं दिखते, हम लोग तो दिख ही जाते हैं आप लोगों को। मुझे बताओ गाड़ी पलटने वाले पे क्या आपका कहना है? कहना यही है, मुझे तो लगता है पुलकित ने उसको धक्का मार के जान के पलटने का है, होती बड़ी लाइट वेट है। चलो वही फोन आ गए, इनको तो दिखाते हैं सीन बाबू को। तो गाइस आपको पता है हम हो रहे थे बोर, तो हमारे सुनील भैया ने एक बड़ी सही चीज बताई। क्या बताई आपने? मैंने, हाँ ये हम कहाँ पे हैं? ये बेसिकली न्यू जो आपका वो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा था, हाँ वो यहाँ से जाएगा, ऐसे कि यहाँ पे कनेक्टेड होना। और भाई इस एक्सप्रेस हाईवे पे आपको पता है हम क्या लेके आए? हम आए ये लेके, बिना किसी उसके भाई पूरा ड्राइव करके लेके आए, और इतना मजा आया ना कसम से एग्जॉस्ट स्केलेटन चलाने का, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो अभी यही है, थोड़े शॉर्ट्स लेते हैं चलते फिरते, और फिर आपको सीन दिखाते हैं आगे का। ये चालू हो जाएगा ना, सपट हो जाएगा। ये नहीं इसके पीछे आ रहा है, वो देखो लग रहा है ना एलियन, वो आपने देखी है मैड मैक्स, उसमें जैसे नहीं होता। गाइस हमें भी ऐसे ही देखना पड़ेगा जब हम ट्रॉली चलाएंगे। गाइस हम ओपन सनरूफ में आ गए हैं, यहाँ से आपको एम हॉक इंजन दिख रहा है बहुत ज़बरदस्त। सुनील भी है ड्राइविंग सीट पे, ओपी हैवी ड्राइवर। ओ गाइस वाओ गाइस, सब गाड़ियों में दरवाजे नहीं होने चाहिए, विंडस्क्रीन भी नहीं होनी चाहिए। ओ भाई बाहर ना गिर जाऊँ मैं। ओपन स्कॉर्पियो के चुकुंते टाइम गिना था चक दे ओ परावा। गाइस ये देखो शूज के ना कलर ही चेंज हो गए,
ऊपर आओ। चलो गाइस अंदर चलते हैं। और गाइस आपको पता है हमने अपनी डस्ट साफ करने का तरीका, वाओ वाओ वाओ। और भाई साहब फाइनली अपना जो बेस कोट है वो मारने लगे हैं, तो ओ ये मुबारक है, प्रोग्रेस शुरू हो गई, मुबारक है ब्लैक स्कॉर्पियो। वाव 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 गाइस, गाइस ये तो काली हो रही है गाइस, नाडो के जैसे ब्लैक हो रही है। अभी भाई इसका बेस कोट है तो इसलिए बाहर मार रहे हैं, जो क्लियर है वो तो अंदर ही बजेगा पेंट बूथ में। भाई मुझे ब्लैक ना सही लगने वाली है। सुनील भैया कैसी लगी? सेक्सी सेक्सी लगी है। भाई तो भाई साहब ये देखो भाई, दिल इतना खुश हो रहा है ना यार, अपनी स्कॉर्पियो को फाइनली रंग होते हुए देख के ना इतना खुश हो गया दिल, आपको बता नहीं सकता। फाइनली शेप पकड़ लिया यार, बहुत बहुत मेहनत लगी भाई सब में। अभी देखते हैं क्या क्या सीन बनता है। आज फर्स्ट रफ कोट है और अभी तो इतनी प्यारी लग रही है तो आई कैन ओनली इमेजिन यार। और भाई आप लोगों ने बोला आपको अपडेट चाहिए और काम चाहिए इसका जल्दी जल्दी, तो इतनी जल्दी काम करवा रहे हैं, मतलब यार ओवर टाइम लगा रहे हैं लड़के रोज। और चलो भाई यार, मगर खुश हो गया दिल यार, अब आप खुद बताओ। और भाई साहब फिलहाल इसमें अपनी पेंट रीफिलिंग चल रही है, तो कलर देख सकते हो प्योर ब्लैक भाई, बहुत डार्क है। ओह वाओ 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 वाओ, अब आप बताओ है चीज़ की नहीं, मैंने बोला था ना वर्थ होगा वेट, तो ये देखो। और भाई साहब जैसे मैंने आपको बताया था ये गाड़ी पूरी की पूरी पेंट हो रही है, तो अंदर से भी ये पैनल जो है ना ये भी पेंट हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ट्रेनिंग चल रही है भाई, कोई बात नहीं, ज्यादा ऐसे हाँ नीचे फटाफट आते जाओ, दबाओ ना जोर से दबाओ ट्रिगर, बस आते जाओ। तो गाइस प्रोफेशनल पेंट वर्क हो रहा है हमारी गाड़ी पे, देख सकते हो आप। ओह वाओ वाओ, ओहो पेंट के बाद कपड़ा नहीं, अभी मारा ही नहीं, हवा मारी है, प्रोफेशनल हवा देख सकते हो गाइस। हमारा बम्पर हमारी गाड़ी से नया हो गया, अब लगता है कि पूरा पेंट हमें गाड़ी पे कराना पड़ेगा। तो भाई साहब आधा पेंट छोड़ के हम आ चुके हैं अपने यहाँ पे, आपको पता है क्यों जा रहे हैं, तो चलो सीधा लोकेशन पे पहुँच के आपको दिखाते हैं यार। तो गाइस जिंदगी है एक, दो जुमले कहो, आपको पता है गाइस हमने आज जमील भाई को क्यों बुलाया? आओ जमील भाई बताते हैं आपको, हमने जमील भाई को एक बड़े स्पेसिफिक रीजन के लिए बुलाया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई साहब ये देखो हमारी जो ट्रॉली है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, ऑलमोस्ट क्या तैयारी हो गया, फाइनल बोल्ट बोल्ट कस रहे हैं, वो आई भी बना दी है, आई भी कस रहे हैं, और चलो देखते हैं क्या सीन बनता है भाई। जे 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 इनको कोई नहीं मिला, मैं मिला बलि को बकरा। जे जे को आज हम ऊपर चढ़ाएंगे बिना रैचेट स्ट्रैप के, इनको बस ब्रेक दबा के रखनी है अंदर, और आज इनकी गाड़ी कितने ढाई ढाई तीन इंच चार इंच लिफ्ट हो जाएगी, है ना, कैसे दिखेगा ऊपर से सब, मजा आएगा नहीं यार। ओके जे जे ओके जे जे, छोड़ो 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 छोड़ो, आ गया आ गया आ गया, वेरी गुड उस सेल्फ बैलेंसिंग। तो भाई साहब हमें ना ट्रेलर बना रहे हो, राजू भैया मिल चुके हैं। राजू भैया तुम बना के रहे हो, ये क्या लग रहा है आपको, ट्रेलर बना रहे हो, कोई इसको चढ़ाओगे क्या, ये लेके जाएगा इस पे? अबे यार X1 लगाएंगे, X1 चढ़ाएंगे इस पे, यार ये ज्यादा ऊंचा नहीं हो गया। तो भाई साहब अभी फाइनली अपनी जो ट्रॉली है इसका फाइनल वेल्ड चल रहे हैं, तो ये होगी इस तरीके से, हाइट हमने जितनी कम हो सकी थी उतनी कम रखी है, बाकी चलो देखते हैं क्या सीन बनता है। तो जी आ गया अपना ट्रेलर मूविंग, और
बस अटक गया। तो यार ये देखो, ये हो गया अपना ट्रेलर फिट। तो यार ये देखो, ये जा रही है अपनी ट्रॉली और अभी खाली टेस्ट कर रहे हैं, टायर देख के बबलिंग कर रहे हैं। एक मिनट। तो यार ये देखो ट्रॉली के साथ। तो ये ट्रेलर को हम लोग इसके साथ लगा रहे हैं क्योंकि इसकी हाइट है और ट्रेलर की भी हाइट है, तो थार को यहाँ चढ़ाएंगे और यहाँ से जमील भैया की थार हम ट्रेलर पे लाने की कोशिश करेंगे। तो ये आगे जमील भैया की गाड़ी और ये आगे 700, ये आगे हमारा ट्रेलर। आंदो आंदो जमील भैया, बैठो गाड़ी में। ये फ्रेम झुक जाएगा। आंदो 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 आओ 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 आंदो आंदो इस साइड काटो, इस साइड हल्की सी, बस आओ 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 इस साइड रखो, आओ थोड़ा सा और आने दो, थोड़ा सा और, थोड़ा और, बस बस इनफ। कुछ नहीं होता यार, ये देखो ये जा रही है जमील भैया की गाड़ी तो होती हुई, और जहाँ जहाँ कमियाँ वो पता चल रही हैं, जगह जगह जहाँ टायर टच हो रहा है। तो वैसा फाइनली ये देखो ले लिया हमने यार इसको ट्रेलर के ऊपर, और अब देखते हैं क्या सीन बनता है। तो पहले तो देखो एक बार लग कैसे रही है यार। तो भाई साहब अभी हम कर रहे हैं जमील भाई की गाड़ी फर्स्ट टाइम अपने ट्रेलर से, तो भाई साहब एक तो ट्रैफिक इतना ना डर लग रहा है, मुझे कभी भी डर नहीं लगा बट आज डर लग रहा है। चलो 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 चलो। ये कुछ अपना प्रोजेक्ट, और अभी टोइंग स्पीड बहुत कम है क्योंकि एक जगह टायर भी टच हो रहा है और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें रेक्टिफाई करने के लिए। तो फॉर सेफ्टी पीछे पीछे मैं भी चला हुआ हूँ। टायर निकल गया एक साइड का, कुछ नहीं हुआ, टायर निकल गया एक साइड का, निकल गया।
तो यार इसका टायर ही निकल गया यार यहाँ से, और उतर जाएगी। तो यार एकदम से दो चक्के ना काम सारी जाना। आन दो धीरे आने दो स्लो आने दो जाओ पीछे जाओ स्लो रुक जाओ। जमील भैया जैसे ही हुआ ना स्लो चले थे एकदम खड़े हो गए, कुछ नहीं कोई नुकसान नहीं हुआ भाई साहब। हो गया था कांड आज जमील भाई और मेरा, जैसे हम बात कर रहे थे पहले भाई साहब चलते चलते टायर खुल गया ये वाला। अभी देखते हैं यार इसका कोई जुगाड़ करते हैं जब तक ये सेफ नहीं होता। हेलो, तो भाई फिलहाल अभी देखते हैं जब तक इसका कुछ सेफ नहीं होता। क्यों? हाँ जी जे क्या कहना चाहते हो आज के गाड़ी के स्टंट बाजों के लिए, क्या कहना चाहते हो? वही ऊपर बैठ के लग गया सर आधा, पहले ये बताओ फीलिंग थी? तो भाई साहब ये देखो यार, इस हब में ये प्रॉब्लम थी कि इसका यही स्नैप हो गया बिल्कुल, ये देखो चूड़ी चिकनी हो गई। चलो भाई कुछ करना पड़ेगा, चलो देखते हैं इसको ले चलते हैं यार वापस। गाड़ी खराब हो गई है जे जे दो तीन रीले बन गई मगर और कुछ नहीं हुआ है ना, क्या दाल बची लाखों का ओपरा हुआ। तो भाई साहब बेसिकली क्या हो रहा है कि इसके साथ टच हो रहा है ना, ये देखो कितने लूज से लग रहे हैं, उसकी वजह से ये काम हो गया। चलो भैया रख लो अब आप, सब कुछ बच गया सही। जे जे सेकंड टाइम भी जे जे बच गए। चलो रख दो भाई साहब। अभी हम जा रहे थे घर, आपको पता है, एक तो ये बोन शेकर भाई और एक दूसरा दिखाना, ये देखो वो आधी फुटपाथ के ऊपर है बस डिवाइडर तो चाड़ी आधी गड्डी दे रही है। हां जी कैसा लग रहा है गाइस ट्रेलर को देख के? गाइस हमें बहुत मजा आया गाइस, और गाइस ऐसे नहीं बोलना कि गाड़ी स्टॉप इन नहीं की थी, क्योंकि हम लिटरली 1 किलोमीटर पर आवर से भी स्लो चल रहे थे। बाकी और क्या है, बस और कुछ नहीं है, टायर निकल गया चलते चलते। बेसिकली उसमें ना लोड पड़ रहा था ऊपर से, जो उसके चैनल थे ना वो टच हो रहे थे, क्योंकि नॉन आर्टिकुलेशन में तो टच नहीं हो रहे थे, क्योंकि तभी हमने एक ओवर रन लिया था विदाउट कार के। जैसे हमने कार डाली तो फिर वो टच होने लग गया, हमने हल्का सा मतलब मानो यहाँ से वहाँ तक चलाया, और वो देखते हैं न्यू हब्स आएंगे और न्यू उसके जो स्टड्स और नट्स सब कुछ नहीं आएगा, और फिर से टेस्ट करेंगे जल्द ही प्रोजेक्ट ट्रेलर को।